and apply myself to the best of my abilities in this role, because it really needed a lot of layering, lot of things, lot of subtext. गुड्डू को मारना या गुड्डू को खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो तो एनीवेज बहुत नया है। मैं बहुत कमाल का एक मीम पढ़ रहा था अभी कल कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसके बाद सब लोग जानना चाहते हैं कि शरद ने कालीन को क्यों बचाया। देवेंदु से भी मेरी बात एक बार हुई थी, हमने सिर्फ लाइनें करी और वो भी कुछ ना हाय ना हेलो कुछ नहीं, वी जस्ट सैट ऑन अ रिस्पेक्टिव चेयर्स। कुछ लोगों ने फोटोज भेजे हैं कि भैया बाल लंबे थे हमने कटवा लिया और बढ़िया लग रहा है, तो हेयर स्टाइल जो कि नहीं है कुछ स्टाइल उसको भी ट्रेंड कर दिया गया है। Anjum, welcome back on Bollywood Hangama and huge congratulations. Thank you. You've been part of an Oscar winning film like Slumdog Millionaire, but comparing to anything that you've done in the past, how big is Mirzapur? Really big. You know, it has been something like this I've been waiting for since really long year. मतलब आई हैव डन फ्यू थिंग्स अर्लियर, आई हैव डन स्टेज प्लेस थिएटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ एंड या सो समथिंग लाइक दिस आई हैव बीन वेटिंग फॉर, यू नो इट्स बीन एजेस एंड इट्स बीन लाइक इट फील्स लाइक एंडलेसली द वेट हैज बीन देयर एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी बट ऑल्सो द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आई हैड विद द शो एंड विद द कैरेक्टर दिस टाइम। वॉट एवर माई जर्नी हैज बीन इन टर्म्स ऑफ थिएटर, इन टर्म्स ऑफ स्किल क्राफ्ट, so this role kind of you know gave me that opportunity to invest everything and apply myself to the best of my abilities in this role, because it really needed a lot of layering, lot of things, lot of subtext, and one could only do that if you really have gone through those that drill in your life, you know, in repeatedly working on a character, etching out the details of the character, having discussions with your director, you know, and dissecting the text, as we call it, you know, when we are processing a script and we are dissecting the script, ki ye kya hai, ye kyun bol raha hai, acha agar ye abhi ye bol raha hai to aage jaake iska kya asar hoga, all those things has been part of the training. So I mean, I'm really happy, and you know ki something like this came up to me which had such a big magnitude, so I could apply myself really well. देखिए अभी बहुत एक दिलचस्प सी बात क्या हो रही है कि जो आपका किरदार है, आपने जिस तरीके से अपने सबटेक्स्ट की आपने बात करी, आई थिंक बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है, बिकॉज बहुत ही नुएंसेस हैं शरद के किरदार के अंदर, और वो जो नहीं भी बोलता है तो उसे भी एक कुछ बात होती है, और जो एक कॉन्स्टेंटली एक दिमाग का इस्तेमाल करना, और एक बार वो एक इमोशन में बहकर वो गुड्डू से लड़ने के लिए चला जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो कंट्रोल करता है जिस तरीके से। तो जिस तरीके से आपने बताया कि थिएटर का बैकग्राउंड है और इतने सालों की जो आपकी ट्रेनिंग है ना, आई थिंक मेरे ख्याल से शायद वो सारा का सारा वो क्यूमुलेट करके वो जो है वो एक रोल में सामने आ गया और दुनिया ने देख लिया उसको। आई थिंक मेहनत मेरे ख्याल से बेकार नहीं जाती, बिल्कुल बेकार नहीं जाती फरीदून, बल्कि मैं तो एक जीता जाता एग्जांपल हूँ इस बात का, एंड आई बीन फॉलोइंग दिस एंड बिलीविंग इन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब आपकी जर्नी इतनी लंबी होती है, कई बार आपके सामने ऐसे मकाम आते हैं कि बहुत बड़ा रिजेक्शन होता है, या कोई चीज लास्ट में होनी थी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन इट डिडंट हैपन। So there is a constant, you know, that setbacks and some things which you are going through as an actor. हाँ मतलब बहुत अजीब सा और कमाल का ये चीज रहा, और उस समय मतलब मैं I used to tell myself this only कि यार you know there's only one rule of thumb which I can follow कि if you are at it you can crack it. I mean अगर आप, और हमारे पास पहले भी इतने सारे examples ऐसे रहे हैं actors के कि if you are there, you know, आप focused हैं, आप अपने process पे अपने skill पे लगातार काम कर रहे हैं, so वो कभी ना कभी देर से ही सही, लेकिन you know it'll see the fruits of it. So वही मेरा motto हमेशा रहा कि अगर जैसे कुछ काम, और मैं हमेशा मतलब विद लिमिटेड चॉइसेस व्हाट एवर आई यूज्ड टू हैव, उसमें भी मेरा ऐसा होता था कि यार ये करते हैं, ये रहने देते हैं, मतलब मैं शायद एक तरह से अपने आप को पागल ही कहता हूँ कि यार आपके पास वैसी चॉइसेस ज्यादा है नहीं, उसमें भी आपका ये है कि यार ये डायरेक्टर, ये कहानी, ये प्रोसेस इसका हिस्सा होना चाहिए। बट आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट कि मैं आप अपने पे काम करते रहिए। थिएटर वॉज समथिंग विच काइंड ऑफ हेल्ड मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो जो चीजें आपको लगती थी कि आप कर सकते हैं, आप लगातार करते रहे, तो आप अपने आप पे काम करते रहे, बीट लैंग्वेज, भाषा हो
या किसी भी तरह की चीज हो, जो भी एक एक सक्षम एक्टर के अंदर होनी चाहिए चीजें, स्क्रिप्ट को समझना, उसके अंदर अलग अलग तरह से उसको इंटरप्रेट करना, फिर अपने आप को उस पर अप्लाई करना, उसकी फिर अलग अलग लेयर्स को एक्सप्लोर करना, ये सारी चीजें जब लगातार आप करते रहे तो फिर एक दिन अगर आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है विच इज हाई ऑन कॉन्टेंट, एंड वी हैव लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन ऑल डिपार्टमेंट्स, बी इट राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टर्स, क्योंकि आपका ये एक सफर इस तरह का रहा इतने सालों में, सो आप भी अपने आप को अप्लाई कर पाए टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज और आप अपना 100% दे पाए। अभी आपने एक वर्ड यूज किया मकाम, और उसका आपने जो प्रोनाउंसिएशन भी है उसका बिल्कुल आप स्पॉट ऑन थे। आपने डिक्शन की बात करी। बहुत बार क्या होता है कि बहुत से एक्टर्स से मेरी बात होती है और वो कंप्लेन करते हैं कि हमें ऑडिशन में हमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हमें मौके नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप अपने पर काम कितना कर रहे हैं, कि आप थिएटर में जाते हैं, थिएटर में आप देखते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, आर यू विलिंग टू लर्न? क्या आपको एक्टिंग आपको सिर्फ पैसा कमाना या फेम के लिए है, कि आपके लिए ये एक जरूरत है? मतलब कोई भी आई थिंक क्रिएटिव चीज है, या पोइट्री है, या फिर एक्टिंग, वो एक आपकी जरूरत बन जाए तभी आप उसपे कुछ अलग सी चीज, मेरे ख्याल ऐसा मुझे लगता है, मैं अपने तजुर्बे से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना जरूरी है थिंग्स लाइक डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज? थिएटर में आपको बॉडी लैंग्वेज से बहुत आई थिंक ग्रैस्प मिलता है, द वे यू मूव मूविंग ऑन द स्टेज, आई कॉन्टैक्ट और महसूस करना चीजों को, कितना इंपॉर्टेंट है ये सब? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे याद है एक बार ना नसीर भाई के साथ कुछ बातचीत हो रही थी, नसीरुद्दीन शाह, तो नसीर भाई ने ना एक बहुत कमाल की चीज कही, जो कि और एंड इट हैपेंड वेरी अर्लियर इन इन माय करियर, क्योंकि वो एक कोई प्ले देखने आए थे शायद, और फिर उसके बाद कुछ कुछ बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने एक बात कही कि एक्टिंग तभी करिए जब आपको लगता है कि अगर इसके अलावा कोई काम करूंगा तो चैन में नहीं रहूंगा, जिंदा नहीं रहूंगा, वाह, तभी करना ये चीज, वरना ये चीज ऐसी चीज है, ये एक अभ्यास है, एक ऐसी चीज है जो कि आपका बहुत लंबे अरसे तक लगातार करते रहना पड़ेगा, एक तपस्या की तरह। तो सवाल मत पूछना बार बार कि अरे यार मैंने तो एक हफ्ता कर ली मेहनत या एक साल कर ली तो अब तो मिल जाना चाहिए कुछ ना कुछ जो मैं चाहता हूँ, वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप करते रहिए अपना काम, आप निरंतर जो आपका प्रोसेस है अपना काम है, यू जस्ट बी एट इट एंड यू विल नेवर नो, एंड यू नो यू इवॉल्व विद दैट प्रोसेस, और जब आप उस प्रोसेस में एकदम समा जाते हैं, सो देन वन थिंग वन डे इट हैपेंस कि यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, यू आर नॉट वेटिंग एंड डेस्परेट अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी, आपको क्योंकि आप उस प्रोसेस में थे, आप वो जीवन जी रहे थे, आप लगातार अपना काम कर रहे थे, तो एक अपॉर्चुनिटी आ गई, बिकॉज लगातार जब आप काम कर रहे थे तो एक सिग्नल्स या एक चीजें भी वर्ल्ड में जा रही थी, आपने कुछ एक काम किया, किसी ने देखा, उसके बारे में कुछ बात हुई, किसी ने कहीं बात की, किसी ने कोई कहीं बैठा था, उन्होंने उन्होंने किसी कहानी पे बात की, किसी एक्टर के बारे में बात की, और अचानक शायद आपके बारे में बात हो जाएगी, सो इट्स ऑल अ प्रोसेस, और आपको मुझे लगता है कि एक्टर को इस तरह से चीजों को देखना बहुत जरूरी है, वो एक ऑडिशन, एक मीटिंग, एक ये चीज से आप जज नहीं कर सकते। क्या होता है ना, कई बार लोग उसको बहुत ही मोमेंटरी चीज में इवेल्युएट करने लगते हैं कि यार मैंने एक वर्कशॉप तो कर ली, मैंने एक ये काम तो कर लिया तो हो गया ना, अब हो जानी चाहिए चीजें, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, वो एक लगातार एक चीजें हैं, प्रोसेस प्रोसेस है, वो चलता रहता है। है, ओके। एट द सेम टाइम मैं नसीर साहब की ही एक आपसे बात करना चाहूंगा, जो कि मैंने उनके इंटरव्यू में देखी। तो उन्होंने कहा था कि दैट मैंने बहुत सी फिल्में करी हैं, लेकिन उसके अलावा मैं त्रिदेव भी करता हूँ, मोहरा भी करता हूँ, कृष भी करता हूँ। तो वो मेरा जैम है, कि जो मेरे जरूरतें हैं, फार्म हाउस है, और मतलब एक अच्छी जिंदगी में गुजार सकूँ, तो उसके लिए मैं वो फिल्में वो करता हूँ। उनकी बायोग्राफी में भी, ऑटोबायोग्राफी में भी उन्होंने सब बहुत डिटेल में बताया कि किस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक हार्डशिप्स देखी हैं, और जब पहली फिल्म उनको मिली थी, या पहली बार वो हवाई जहाज में बैठे थे, तो कितनी बड़ी वो उनके लिए एक चीज थी। तो पैशन तो एक तरफ हो गया, लेकिन इंसान को एक प्रैक्टिकल जिंदगी भी गुजारनी है, फैमिली है, और भी बहुत सी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए किस तरीके के प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइजेस आपने आपने करे हैं, एंड हाउ यू डील्स विद दिस मैरिज ऑफ सॉर्ट्स? जिंदगी में मेरा ये मानना है कि ना आपको संतुलन होना बहुत जरूरी है, आप उन भावनाओं में भी नहीं बह सकते हैं कि भाई मैं एक आंदोलन करने निकला हूं और मैं एक अलग तरह से एक एक्टर हूं और मैं कुछ अलग करने आया हूं, नहीं, ये दिस इज डिल्यूजन, आपको जो भी करना है जो अच्छा, मैं मतलब ये बात थोड़ी अलग है, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, और आई थिंक वो बैलेंस क्योंकि हमेशा आई हैड इन मी, सो मे बी आई आई डिडंट गेट डिल्यूजनल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कि ये मेरी इच्छा है, मेरे अंदर शायद कुछ एक आर्टिस्टिक इम्पल्स था जिसे मैंने पहचाना, एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू दिस, मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि आप ये काम करें, सो आई हैव टू बी रेडी व्हाटएवर द नेचर ऑफ दिस जॉब इज गोइंग टू बी,
यू नो आई हैव टू बी रेडी विद इट एंड आई हैव टू हैव एक्सेप्टेंस फॉर इट एंड देन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हाँ आपके पास एक आपका एक आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन है कि आपको इस तरह से काम करना है, ये चीजें करना है, लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी होना भी बहुत जरूरी है. आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आप यू नो इट्स एन आर्ट बट पीपल नीड टू लाइक इट एंड जो पॉपुलर चीजें हैं वो आप उसका हिस्सा होंगे. आप भले ही, क्योंकि आप देखिए क्या है कि आप कुछ भी काम करेंगे आप अप्लाई तो खुद ही को करेंगे, जिस तरह से आप सोचते हैं जो आप हैं आप उसी को अप्लाई करेंगे. सो इट्स आई डोंट सी अ डिमार्केशन बिटवीन बीइंग वेरी आर्टी एंड बीइंग वेरी प्रैक्टिकल. यू नीड टू हैव दैट बैलेंस ऑलवेज. जैसे कि आप कह रहे हैं कि नसीर भाई, उन्होंने बहुत सही तरीके से बैलेंस अपने जीवन में बहुत पहले ही ले आए थे वो, कि मैं थिएटर करता हूँ क्योंकि इसका एक प्रोसेस है, इसकी मांग अलग है, इसकी डिमांड अलग है, यहाँ पे मैं एक चीज करना चाहता हूँ, मैं डियर लायर जैसा प्ले करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मैं शेक्सपियर करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ. लेकिन प्रॉब्ली वो चीज वो दूसरे मीडियम में नहीं कर सकते, तो वहां वो करते हैं जो वहां के लिए एप्लीकेबल है. सो दिस बैलेंस आई थिंक एज एन एक्टर यू नीड टू हैव इट. यू कांट अप्लाई योर इंट्रीग एंड योर इंटरेस्ट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. तो लेकिन गलती फिर दुनिया की और लोगों की नहीं है, वो आपकी है, क्योंकि आप ही का पर्सपेक्टिव सही नहीं था. सो आई थिंक दैट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एक्टर, फॉर एवरी आर्टिस्ट. यू नीड टू बी प्रैक्टिकल और किसी चीज का ना लोड नहीं लेना. मुझे ऐसा लगता है कि यार काम करना है, बढ़िया रहना है, खुश भी रहना है, मतलब यू नो यू शुड हैव अ गुड फुलफिलिंग लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. नाउ जो आपकी गुड्डू के साथ में जो आपकी एक फाइट है, अपेरेंटली उसको उसकी तैयारी करने के लिए आपने 4 महीने तक आपने उसकी तैयारी करी बॉडी बिल्डिंग की. किसी ने भी कहा नहीं था, ना गुरु ने, पुनीत ने, लेकिन मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो ये सीन आया और मेरे सामने मैंने देखा कि वहां पे ना बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ था एंड देन शरद गेट्स अप एंड ही गिव्स अ पंच टू गुड्डू एंड गुड्डू स्टार्ट्स ब्लीडिंग. तो ये ना बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ था और मेरा दिमाग सीधा गया season 1 के उस गुड्डू पे जो की हल्क की तरह है, मिस्टर पूर्वांचल बलशाली इंसान है. और मुझे लगा कि यार अगर आई हैव टू मेक इट बिलीवेबल कि शरद कैन एक्चुअली डू दिस, आई हैव टू डू दिस एंड यू नो अनलेस एंड अंटिल आई फिजिकली लुक लाइक कि हाँ ही हैज स्ट्रेंथ एंड ही हैज फिजिकलिटी मस्कुलरिटी, पीपल विल नॉट बी कन्विंस्ड एंड आई विल नॉट बी कन्विंस्ड सबसे. बट आई डोंट नो कि यार ये मतलब मैं कर पाऊंगा या मैं या गुरु या पुनीत इस बात को अग्री करेंगे. लेकिन मैं गुरु से बात की मैंने, अच्छा गुरु का मैंने बहुत सर खाया है इस पूरे प्रोसेस के दौरान. जब हमारा प्री प्रोडक्शन चल रहा था, एवरी ऑलमोस्ट एवरी अदर नाइट आई यूज टू बी स्टैंडिंग डाउन इज बिल्डिंग विद माई नोट्स एंड यू नो हैविंग कॉन्वर्सेशन विद हिम कि यार मुझे लगता है ये ऐसा या वे ऐसा. और वो भी एंड ही इज वेरी पेशेंट, ही यूज टू बी हाँ ठीक है ओके करेक्ट है, ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. सो एनीवे, सो देन आई स्पोक टू गुरु. मैंने कहा यार गुरु मुझे लगता है कि इस तरह की एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए एंड ही इंस्टेंटली अग्रीड कि यार आई थिंक यू आर राइट, यू शुड डू इट. And then I think, and nobody else knew about it. Like Puneet and all didn't know about it. So I was 3.5-4 months. I lag gaya. I got my own trainer. I got everything sorted. Ye wo diet wise sari cheeze. And then I just started doing it. And then on my first day of shoot, I went to, the producers and all had come from Excel, Rupali and Abbas. And they looked at me and they were like, you are not looking Anjum, you are looking Sharad. So that was quite a satisfying experience. Ki chalo theek hai, jo socha tha wo lag raha hai logon ko, to achhi baat hai. Bahubali agar ek kirdaar dikhana hai, ye probable Bahubali in a way. So I think that physicality, that definitely works because it looks quite imposing and coming from that royal blood as well. Na? और दूसरी चीज ये होती कि मतलब एक तो ये रीजन था, दूसरा देन व्हाइल आई वाज डूइंग इट then we thought ki because he's a very subtle and non-violent kind of a guy, it will be a great contrast ki physicality aur look se he is looking like that, lekin to aapko lagega ki acha ye har baat pe shayad maar dega, lekin the juxtaposition is such that you feel ki are yaar we didn't expect this from him, that he will actually change the whole tone of the scene of the conversation. So that also became a good contrast, the way he does when Munna comes to their haveli. Yeah, and he just serves Yusuf to him. Yeah, that's how Murtaza Mirzapur works, serving Yusuf, dead body to people. All right, now one more thing that you spoke briefly in the last interview was the body language part, especially when Munna is saying Rati Shankar Shukla ne jis tarike se dhoka diya tha, and the way your left feet moves, and one can see your hands quivering, but you're controlling it. That was fantastic because in a way.
even Munna knows that he's trying to provoke you because he likes provoking people. I thought that was a fascinating scene. So, something about the restrained body language, because I feel that that was part of the subtext, as you said, of Sharad. सबसे पहले तो आई एम ग्लैड दैट यू नोटिस्ड इट, मतलब कि आपकी तो मैं दाद देना चाहता हूँ कि आपने वो लेफ्ट फीट जो ऊपर गया उसको भी पकड़ लिया है, आई मीन फुल मार्क्स. But you know, I think it's also the direction and the way the story moves, because I think they do it deliberately. They yeah, like creating that tension. So I think a lot of other people must have noticed yeah. it, but I definitely did. No, but yeah, people have noticed it. But in that scene, like a lot of people have noticed that, which was really satisfying for me, that when jo Sharad chal ke aa raha hai, when he's walking towards Munna, he's not saying anything. And there is a rhythm in his body. He's walking, you know, at a pace, at a certain pace. But you can constantly see that he's thinking something. He's constantly going through that thought process ki, okay, I have attempted to come and meet him because he's not ready to get out of his car, his jeep. So, mujhe jana padega. Okay, it's okay. He's an egoistic guy. But it's okay. I don't have a problem with that. Wo ja raha hai, but usne abhi tak ye socha nahi hai ki main usse kya baat karunga. Aur lagatar wo is baare mein soch raha hai ki, achha, theek hai. What will be the first line, first word? Which I will say or he will say, what is going to be. So everything, I think now, you know, audiences and everybody who has seen it can see it. They're talking about it. And as you said about the choices, yeah, there were a lot of choices which we made, especially in that scene. Even I remember Baba, Sanjay Kapoor, jo DOP hai, he took that profile shot while he's walking. Because he wanted to show that travel, that he's going from his world to a different world. You know, he's traveling from his haveli, वो अपने घर के अंदर से बाहर जा रहा है, so he wanted to have that profile track shot, जिससे कि वो चीज दिखे. So all these things were, you know, it came like a synergy. And मतलब वो दिन तो मुझे याद है, I didn't speak to anybody, I didn't even speak to Guru, and Guru also didn't speak to me because he kind of thought कि नहीं, I think we should let him be. And we were just organically doing one thing after another. Or Devendu se bhi meri baat ek bar hui thi, humne sirf line kari. Aur wo bhi kuch na hi na hello, kuch nahi. We just sat on our respective chairs. We did a line run and he went in his own direction. I went inside the haveli. And we straight away met while we were shooting for the scene. Right. And now, एक चीज जो कि बाय द वे दैट इन द कैमरा वर्क द डीओपी इज आउटस्टैंडिंग बिकॉज़ इट्स मेनी अ टाइम दैट इट रियली क्रिएट्स दैट मूड इन द ऑडियंस. इट कैन बी विकेड एट टाइम्स व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग एज़ वेल. नाउ एक चीज जो मेरे ज़हन में बात आई क्लाइमेक्स को देखकर, मैंने सोचा कि शरद गुड्डू को आसानी से मार सकता था शायद, मे बी, तो मारता क्यों नहीं गुड्डू, बिकॉज ही वॉज इन एन एडवांटेजियस पोजिशन लोकेशन वाइज. तो मुझे एक्चुअली इस बात का जो एकदम पुख्ता और अच्छा जवाब तो मेरा ख्याल है पुनीत ही दे सकते हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, एक तो जब सीडी बार में मुन्ना और गुड्डू के साथ जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद देयर वाज अ शिफ्ट इन शरद कि अब मैं खुद को कभी आगे नहीं करूंगा. ही सेड दैट थिंग, या आई मेड दैट मिस्टेक, दैट मैंने खुद उस चीज को इनिशिएट किया. आई विल ट्राई एंड हैव अनदर स्ट्रेटजी नाउ. सो इवन राइट एट द एंड, जब वो अपने घर से निकलता है तो वो एक ही चीज बोलता है अपनी माँ को कि मैं, आप फिक्र मत करिए, मैं खुद को आगे नहीं करूंगा. एंड व्हेन ही स्टैंडिंग देयर बिहाइंड द वॉल, वो पूरे टाइम देख रहा है कि क्या होगा. अच्छा ठीक है, अब ये दोनों मिल गए हैं, मुन्ना और अखंडा, सो मे बी आई नीड टू टेक दैट शॉट. एंड देन फॉर हिज सरप्राइज गुड्डू एंड गोलू कम्स. अब उसके बाद ही जस्ट हैज टू वेट कि क्या, यू नो, कि कब मैं आगे आऊं, क्या करूं ना करूं. और आई थिंक जब व्हेन गुड्डू टेक्स दैट शॉट और एंड मुन्ना डाइज, आई थिंक वहां पे देयर इज अ मेजर शिफ्ट जो शरद के दिमाग में होता है कि इंस्टेड ऑफ किलिंग गुड्डू राइट नाउ एंड एक्सपोजिंग माय सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हिम और गोलू, आई वुड रादर हेल्प एंड सेव अखंडा. क्योंकि अखंडानंद त्रिपाठी इस पूरे चेस की, इस पूरे कड़ी की सबसे अहम कड़ी है. तो अगर मैंने उसको बचा लिया, सो मे बी माई पावर पोजिशन विल बी, यू नो, द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस एंटायर पूर्वांचल बेल्ट. तो आई थिंक जिस तरह का इंसान शरद भी है, उसके लिए ये मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन एंड दैट रिवेंज कि मैं अभी इसको मार दूं और खत्म कर दूं, आई थिंक उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए ये था कि मैं अपना पावर पोजिशन और ज्यादा स्ट्रांग करूं. और मुमकिन है शायद एक बार जब वो हो जाएगा तो गुड्डू को मारना या गुड्डू को खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो तो एनीवेज बहुत नया है. और उसके लिए तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं एक तरह से, बिकॉज आपने रिवेंज तो ले लिया, आपने वो सारी चीजें तो ले ली ना, इसके आगे आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि इसके आगे इफ यू आर टेकिंग रेडी टू टेक द थ्रोन,
दैट्स अ बिग थिंग, वो फिर एक अलग दुनिया है, अब अलग चीजें खुलेंगी उसमें से. सो इस आई थिंक उस वजह से इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शरद कि इफ दिस इज हाउ इट गोना बी नाउ फ्रॉम हेयर ऑन, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक माई पोजिशन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विच विल हैपन इफ अखंडा इज ऑन माई साइड. All right, so what about season 3? Because season 3, I think Sharad is going to be an important cog in the wheel for sure. So season 3, Faridun, right now, to, matlab, I think, kuch zyada maine suna nahi uske baare mein, but I think the work is on, they are still in the writing process. Haan, matlab, I'm very excited and very interested in, to know ki ab wo kya hoga, because ye to samajh mein aa raha hai ki power equation aur bahut ड्रामेटिक सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है. मतलब मैं बहुत कमाल का एक मीम पढ़ रहा था अभी कल या परसों कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसके बाद सब लोग जानना चाहते हैं कि शरद ने कालीन को क्यों बचाया. मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा सवाल अब मेरे लिए भी हो गया है कि क्या करेंगे, बट हाँ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा आई थिंक शरद के और ज्यादा फ्लेवर देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा शेड देखने को मिलेंगे और and it will be very interesting to play, you know, aur zyada intrinsically usko. Kis tarike se aapko feedback mil raha hai industry se, aapko offers kis tarike ke aap aana shuru hai? Actually abhi jo major feedback hai wo to audience ka hai, matlab, and I am still absorbing it ki log kis tarah se kis qadar you know they are connected with the character aur apni apni tarah se wo us bare mein baat kar rahe hain ki bhaiya ji kya lag rahe ho, bhaiya ji kya dimag hai. And you know, as we were talking about the layers of the character, uski subtext, people are getting everything to the T. Ki wo kya sochta hai, badhiya kiya, ye kiya, wo kiya. And as the days are passing, they are getting every nitty gritty of the character. To, and kuch logon ne photos bheje hai ki bhaiya, baal lambe the, humne katwa liya aur badhiya lag raha hai. To hair style jo ki nahi hai kuch style, usko bhi trend kar diya gaya hai. Nahi, but it's a good, it looks good. Yeah. To, it looks good. ये एक मेजर एक चीज है. बाकी फ्रॉम द इंडस्ट्री वर्क वाइज देर हैज बीन अ लिटिल शिफ्ट, जो जिस तरह के रोल और जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, कपल ऑफ फिक्स स्टूडियोज हैव शोन लिटिल इंटरेस्ट, बट आई हैव टू स्टिल गेट बैक टू देम. तो एक शिफ्ट है जिस तरह से शायद अब काम या रोल या कहानियां या स्क्रिप्ट आ रही हैं. सो बट आई एम स्टिल टेकिंग लाइक लिटिल टाइम, नॉट मच टाइम, 10-15 डेज आई जस्ट वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ देखने के लिए कि क्या चीज हो रही है, एंड देन आई विल पिक अप समथिंग. No, I think you are, as you said, that you are practical, and I'm sure that you will make the most of it. Anjum, congratulations for all the accolades that are coming your way, and rightly deserving as well. And all the best wishes for all your future ventures. I think your mind is sorted, and you have made a career. I think now is the time to reap the benefits of that. So all the best for that, and have a good year, and happy Diwali to you as well. Thank you, Faridun. It was a lovely chat. You know, this was a really lovely chat. Thank you for your time, and thank you for all your blessings, and thank you very much. Happy Diwali to you, to all of you who's watching it. Happy Diwali, and stay safe, be happy. Thank you very much. Take care, man. Take care. All the best.